राइट है। तो कलेक्टिविज्म, ट्रेडिशनल इंडिविजुअल, और ये चेंज जब आपकी होती है, यानी कि आप प्रोग्रेसिज्म करते हैं तो आप मूव करते रहते हैं आपस में और चेंज हो सकते हैं, यानी कि जो कलेक्टिविज्म और चेंज जो करने वाले, यानी कि फासिज्म और प्रोग्रेसिज्म, इनके दरमियान में जो आएंगे वो सोशल माइंड के लोग होंगे, और फासिज्म और कंजर्वेटिव के दरमियान में जो लोग आएंगे वो नेशनलिज्म माइंड रखने में, यानी कि कॉम्प्रेस्ड होंगे, और जो कंजर्वेटिज्म और आज़ाद ख्याल लिबरलिज्म के लोग होंगे वो क्लासिकल लिबरलिज्म के होते हैं, यानी कि उनकी सोच थोड़ी पुरानी होती है, और जो लिबरल और प्रोग्रेसिज्म के लोग होते हैं वो अनार्किज्म रखने वाले सोच होते हैं, यानी कि वो थोड़े बेचैन और बेचैनी पैदा करने वाले ही अनासर होते हैं। तो ये लेफ्ट साइड के लोग हैं, और ये राइट साइड जो डार्क कलर है ये राइट साइड के लोग हैं, और लेफ्ट साइड पे जो हैं ये रेडिकल हैं, रैपिड चेंज चाहते हैं, और जो राइट साइड पे हैं वो रिएक्शन करते हैं, एक्सट्रीम चेंज चाहते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये दो हमारे पास जो साइड्स हैं, एक्सट्रीम साइड, एक साइड पे कम्युनिज्म है, उसका उल्टा कैपिटलिज्म है। अमेरिका वगैरह कैपिटलिज्म को प्रमोट करते हैं, जबकि रशिया और चाइना ये कम्युनिज्म के जो हैं वो सपोर्ट करने वाले हैं। जो कम्युनिज्म है वो प्लान्ड सिस्टम होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट स्ट्रांग होती हैं, ये कहते हैं कि जी हर चीज़ प्रॉपर सिस्टम के मुताबिक हो, हर एक कानून के नीचे होना चाहिए, जबकि दूसरे कैपिटलिज्म वो कहते हैं जिसके पास जितना ज़्यादा राइट है, जितना ज़्यादा शऊर है, उसको थोड़ी सी मार्केट उसको डिटरमिन करे, वो फ्री मार्केट के हिसाब से मूव करें, और इसके दरमियान में जो सोच रखने वाले लोग होते हैं वो सोशलिज्म होते हैं, यानी कि उनके अंदर मिक्स चीज़ें होती हैं, कुछ वो चीज़ें कैपिटलिज्म से ले लेते हैं और कुछ कम्युनिज्म से ले लेते हैं, तो वो इस तरीके से सर्वाइव करते हैं। इसके बाद जो आता है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम, जैसे कि हम बात की, जो पॉलिटिकल साइंस है वो डील करती है स्टेट गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ। तो ये तीन जो हैं ऑर्गन्स होते हैं जिनके ऊपर एक सारा का सारा पॉलिटिकल सिस्टम का जो एक सिस्टम है वो वर्क कर रहा होता है, जिसमें ऑर्गन जो होती है वो स्टेट होती है, यानी कि स्टेट को हम फोकस करते हैं, स्टेट के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट, स्टेट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि स्टेट किस नोयत की होती है, किसी में एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है, किसी में प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, किसी में किंगडम है, तो किसी में डिक्टेटरशिप है, तो इस तरीके से उनको स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट मुख्तलिफ, कहीं पर डेमोक्रेसी, कहीं पर डिक्टेटरशिप है, और कहीं पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। इसके अलावा रिजाइम टाइप्स हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो वो फोर टाइप्स हैं, आगे चल के ये हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा रोल अदा करता है पॉलिटिकल सिस्टम में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिससे एक गवर्नमेंट खड़ी होती है, या उस मुल्क का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जो है एक खड़ा होता है। आर्मी की बात की जाए तो वो आर्मी इसलिए होती है कि वो जो मुल्क की या उस स्टेट की डिफेंस करे, और पुलिस और ब्यूरोक्रेसी जो होती है उसको एडमिनिस्ट्रेट करती है, और सिविल जो लोग होते हैं या जो विद इन कंट्री होते हैं उसकी वो जो रनिंग होती है, ऑपरेशन होती है, या उसका डिफेंस सिस्टम उसको कंट्रोल करते हैं, यानी कि लोकल सिस्टम जितना भी उसको कंट्रोल पुलिस और ब्यूरोक्रेसी कर रही होती है। ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, जो हमने बेसिक लेवल पे जो चीज़ें कवर की, और इंशाल्लाह ये हमारा कोर्स चलता रहेगा। तो आप लोग अगर हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हार्वर्ड एकेडमी, आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं www.harvardacademy.com, और व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं 0333570626226। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।